नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाड़ू कोचिंग क्लास बहराइच में। आज हम लोग बीकॉम फाइनल ईयर का जो है 2014 का कॉर्पोरेट अकाउंट पेपर देखेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, ये बीकॉम थर्ड ईयर में 100 नंबर का पेपर है, तीन पार्ट में डिवाइड होगा, ए बी सी। तो चलिए देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, क्या व्हाट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट इज मीन बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, एक्सप्लेन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, व्हाट इज अनरिलीज्ड प्रॉफिट, ये आपका होल्डिंग कंपनी का है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमलगमेशन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गुडविल, व्हाट इज मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, फिर अगला है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अभी देखिए, सेक्शन ए हो गया, सारे क्वेश्चन करने थे, सेक्शन बी में हर क्वेश्चन में आर लगा के क्वेश्चन दिया होगा, उनमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, अब देखिए आप, एक ऊपर न्यूमेरिकल है आपका, ठीक, आप इसको देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, और ये हिंदी में है, और इसके आर में जो है एक थ्योरी लिखी, व्हाट इज सिंकिंग फंड, हाउ एंड व्हाई सिंकिंग फंड अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का ये है, हर साल पूछा जाता है। और इसके बाद नीचे क्वेश्चन है ये कि डिस्क्राइब वेरियस काइंड्स ऑफ डिबेंचर, और इसके अथवा में जो है ये न्यूमेरिकल लगा हुआ है, कोई आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक डिबेंचर का ही है। फिर देखिए फोर में क्या है, डिफाइन होल्डिंग कंपनी अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन बिकम सब्सिडियरी टू अनदर कंपनी, सुधारी कंपनी की परिभाषाएं दीजिए, किन परिस्थितियों में कंपनी दूसरी कंपनी के सहायक हो सकती है, थ्योरी का पार्ट है। और इसके बाद देखिए ये न्यूमेरिकल इसी के साथ में लगा हुआ है, ये न्यूमेरिकल निकाल रहा है, और ये एग्जाम्पल है, हम देखेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाना है। और अगला देखिए, अब फाइव नंबर, अब देखिए होल्डिंग कंपनी का ये भी है, देखो होल्डिंग कंपनी की 10 नंबर की थ्योरी वहां दी थी, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसका फॉर्मेट आपको एक तरीके से बनाना है, तो ये भी थ्योरी दी गई है। तो ये होल्डिंग कंपनी की है, 2014 में देख लेंगे। अब देखो इसके अलावा न्यूमेरिकल दिया, ये गुडविल का है, कैलकुलेशन करना बहुत आसान न्यूमेरिकल है। और अब देखिए सिक्स नंबर में क्या है, विलय के स्वभाव क्रय के स्वभाव के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, एमलगमेशन की थ्योरी है, दोनों में अंतर। और इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा है, इसको देख लीजिए। हाँ, ए भी न्यूमेरिकल आपका एग्जाम्पल है, देख रहे हैं। अब सेक्शन सी, इनमें से कोई दो क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सब ये देखिए, जब से ये 1956 है, लेकिन अब इसकी जगह पे 2013 के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा, ठीक है, 2013 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो ये फॉर्मेट फॉर्मेट बनाना होता है, या तो बैलेंस शीट, दोनों में से कोई आता जरूर हर साल, आपको पिछले 10 साल के पेपर देंगे, उनमें से आप देख लीजिएगा। और ये न्यूमेरिकल दिया, ठीक है, इशू ऑफ शेयर का है, और फिर ये न्यूमेरिकल आपका पूरा भी न्यूमेरिकल ही चल रहा है, नहीं सॉल्व होगा तो बताएगा, सॉल्व करवाएंगे। फिर ये व्हाट इज गुडविल, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये भी क्वेश्चन अभी 2020 में पूछा गया है। द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ रवि लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, अभी रवि लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, और इसके बाद नीचे क्या है देखिए, इसको डिटेल दिए गए हैं, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बनाना है, अमेलमेशन से रिलेटेड है, अमेलमेशन का न्यूमेरिकल है, करना कुल दो ही है। और 11 नंबर देखिए आप, अभी जो है ये 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, वो ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है, रीता और सीता लिमिटेड, और वो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बैलेंस शीट बनानी है, इससे आसान क्वेश्चन और नहीं पाओगे आप, इतना भी आसान क्वेश्चन आप देखिए, इससे आसान क्वेश्चन आप नहीं पाएंगे, पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और अब इसका पेपर अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसे ही पेपर और आपको मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।